फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन माली। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले, आप सभी दोस्त गूगल पे ऐप यूज करते होंगे अपने किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफर करने के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले, आप जब भी गूगल पे एप्लीकेशन यूज करते हैं उसी टाइम पर फ्रेंड्स आप अपना बैंक अकाउंट भी ऐड करते हैं, SBI का, HDFC या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। अब किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है और वो अकाउंट आप अपने गूगल पे नंबर से अपने बैंक अकाउंट से लिंक करते हैं, तब भी फ्रेंड्स आपको एक प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल जाती है। आपको भी साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, जब भी फ्रेंड्स आप अपने गूगल पे एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर से अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं, तब भी फ्रेंड्स आपको यहां पर अपना जो भी बैंक है वो भी आप सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर कैंट सेंड SMS ऐसा है आपको प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल जाता है। फिर हम बात करने वाले, आपके भी गूगल पे एप्लीकेशन में कैंट सेंड SMS का ये प्रॉब्लम किस लिए आता है और उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है वो भी आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी सिम कार्ड हो, वोडाफोन है, एयरटेल है, आइडिया, कोई भी आपके पास सिम कार्ड है, तो फ्रेंड्स सभी में प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी आज की वीडियो की तरफ और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो फ्रेंड्स आपके भी गूगल पे एप्लीकेशन में कैंट सेंड SMS का ये प्रॉब्लम आ रहा वो भी सोल्व हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी आज की वीडियो की तरफ। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने हमारे छोटे से YouTube चैनल YT Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उसे भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी न्यू और लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने आज की वीडियो की तरफ। और फ्रेंड्स, बात करने वाले के, जब भी आप अपने गूगल पे एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं उसी टाइम पर फ्रेंड्स आपको कैंट सेंड SMS का ये प्रॉब्लम आता है, तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स करते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम किस लिए आता है वो पहले हम बात कर लेते हैं कैंट सेंड SMS का गूगल पे एप्लीकेशन में। तो यहाँ फ्रेंड्स, आप गूगल पे एप्लीकेशन में आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं उसी टाइम पर फ्रेंड्स आप अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं, आप अपना बैंक का नेम भी सिलेक्ट कर लेते हैं, उस पर आप क्लिक करते हैं, उसी टाइम पर फ्रेंड्स आपका कुछ प्रोसेस होता है और आपने जिस भी नंबर से गूगल पे अकाउंट बनाया उस नंबर से फ्रेंड्स आपके जो भी बैंक अकाउंट है उसमें एक मैसेज जाता है, उसके बाद ही फ्रेंड्स आपका बैंक अकाउंट है वो लिंक हो जाता है। और जब भी ये प्रोसेस होता है उसी टाइम पर फ्रेंड्स आपको कैंट सेंड SMS का ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका रीजन क्या होता है कि ये प्रॉब्लम आने का, कि फ्रेंड्स आपका पास जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है, वोडाफोन का सिम है, उसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स आपके मोबाइल के इनबॉक्स से अंदर एक आपके बैंक अकाउंट में एक मैसेज जाता है जिससे आपका जो भी अकाउंट है वो लिंक हो जाता है गूगल एप्लीकेशन से। तो क्या होता है कि आप सभी दोस्तों के पास जियो का सिम यूज करते हैं, वोडाफोन का, एयरटेल का, उन सभी का सिम कार्ड यूज करते हैं, उसमें फ्रेंड्स आप सभी लोग अनलिमिटेड प्लान रिचार्ज कराते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी आप गूगल पे एप्लीकेशन में आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं उस टाइम पर फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर से एक मैसेज जाता है आपके बैंक अकाउंट में, वो मैसेज नहीं जाता है जिसकी वजह से कैंट सेंड SMS का ये प्रॉब्लम आता है। उसका एक ही सोल्यूशन है फ्रेंड्स, क्या सोल्यूशन है, आप जब भी आप अपने गूगल पे एप्लीकेशन में आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं उसी टाइम पर फंड्स आपके जिस भी नंबर से आपने गूगल पे अकाउंट क्रिएट किया उसी नंबर से फंड्स एक मैसेज जाता है आपके बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए, वो मैसेज फंड्स आपके मोबाइल नंबर से सेंड नहीं होता है, उसकी वजह से फंड्स आपको कैंट सेंड SMS का ये प्रॉब्लम आता है। तो फंड्स उसका क्या सोल्यूशन, इसका एक ही सोल्यूशन है फंड्स, हम क्या होता है हमारे पास जियो का सिम कार्ड होता है, वोडाफोन का या फिर आइडिया का कोई भी सिम कार्ड होता है, उसमें फंड्स हम अनलिमिटेड रिचार्ज कराते हैं। अभी आने के बाद अभी बहुत सारी ऑफर चल रही है मोबाइल रिचार्ज की, उसमें हम क्या करते हैं 199 का, 299 का, 399 का अनलिमिटेड प्लान हम रिचार्ज कराते हैं। वन टाइम पर फंड्स क्या होता है कि जब भी आप गूगल पे ऐप में अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं इसके लिए फंड्स आपके जिस भी नंबर से आपने गूगल पे अकाउंट क्रिएट किया उस नंबर से फंड्स आपके बैंक अकाउंट में मैसेज जाता है जिसके बाद फंड्स आपका जो भी बैंक अकाउंट है होता है वो ऐड हो जाता है। फंड्स आपने अनलिमिटेड प्लान रिचार्ज कराया होगा इसकी वजह से नहीं होता, तो फंड्स क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का अनलिमिटेड रिचार्ज होने की वजह से आपके बैंक अकाउंट में एक मैसेज नहीं जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना 10 रुपए का एक रिचार्ज करवा दो जो भी आपका गूगल पे का नंबर है उस पर, और उसके बाद क्या कि जब फिर से आप अपने गूगल पे एप्लीकेशन में आइए और अपना बैंक अकाउंट फिर से ऐड करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि आपका जो भी मैसेज होगा कैंट सेंड SMS का ये प्रॉब्लम आ रहा है उसमें फ्रेंड्स जो भी आपका मैसेज नहीं जा रहा है वो चला जाएगा आपके बैंक अकाउंट में और आपका बैंक अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स 2-3-4 रुपए का चार्ज होता है, आपके जो भी मोबाइल बैलेंस होती है मोबाइल का बैलेंस हम रिचार्ज करवाते वो हम अनलिमिटेड प्लान कराते जिसकी वजह से हमारा मैसेज नहीं जाता और हमारा बैंक अकाउंट है वो लिंक नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए अपने मोबाइल में 10 रुपए का रिचार्ज करवा दो, उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो कैंट सेंड SMS का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप जो भी 10 रुपए का रिचार्ज करवाओगे उसमें से फंड जो भी 8 रुपए का टॉक टाइम आएगा उसमें से फंड 2-3 रुपए का चार्ज कट जाएगा और आपका जो भी मैसेज नहीं जा रहा वो भी सेंड हो जाएगा और कैंट सेंड SMS का हमारा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। जय हिंद।